पहाड़ों में गर्मी बढ़ने के साथ साथ अब पानी की किल्लत भी शुरू हो गई है। अल्मोड़ा जिले के कई इलाकों में पेयजल संकट गहराने लगा है। यहां हर साल गर्मी बढ़ते ही पानी की बूंद बूंद के लिए ग्रामीणों को मोहताज होना पड़ता है। इस बार भी अप्रैल के महीने में गर्मी बढ़ने से पेयजल स्रोतों की धार कम हो गई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की भारी किल्लत शुरू हो गई है। ग्रामीण लंबे समय से पानी की समस्या को दूर करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान करने की बजाय टैंकर से प्यास बुझाई जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कई किलोमीटर दूर से पानी को सिर पर ढो रहे हैं। कहने के लिए यहाँ हर घर नल योजना के तहत नल लगाए गए हैं, लेकिन ये नल ग्रामीणों की प्यास नहीं बुझा पा रहे। ग्रामीणों का कहना है कि आने वाले दिनों में ये समस्या और बढ़ेगी, ऐसे में उन्होंने प्रशासन से पानी की समस्या को दूर करने की गुहार लगाई है। हमारे यहाँ गर्मी में पानी की बहुत समस्या बढ़ जाती है, हमको पीने के लिए पानी मुश्किल से मिलता है, इसलिए हमारा अनुरोध है कि यह समस्या को हमारी दूर कर दें। अभी क्या स्थिति? अभी वही स्थिति है बस, अभी तो ठीक ही है, प्रॉब्लम बढ़ जाती है 10-15 दिन के बाद, प्रॉब्लम बढ़ने वाली है, इसलिए यहाँ बहुत समस्या बढ़ जाती है पानी की। गर्मियों में महिलाओं की हालत बहुत कंडीशन बहुत पानी से ही हो जाए। प्रदेश में बारिश कम होने से जल स्रोत सूखने लगे हैं, जिससे अप्रैल के दूसरे पखवाड़े की शुरुआत में ही जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट गहरा गया है। पर्याप्त पानी नहीं मिलने से लोगों का अधिकांश समय पानी की ही जुगत में कट रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अल्मोड़ा से निर्मल उप्रेती की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।